अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं अभी। अंचल बताएं कौन सा स्टॉक है जो रेडार पर रहेगा? शुक्रिया अनाज, आज पोर्ट सेक्टर से स्टॉक है गुजरात पिपावाव। पोर्ट पे नज़र रखिए, एक अच्छा रिटर्न देती है कंपनी दिख सकती है। और कारण है कंपनी के नंबर देखिए, Q3 में कंपनी के नतीजे मजबूत रहने का अनुमान है। मुनाफा करीब 20 से 25% बढ़ता हुआ दिखेगा, वही मार्जिन में 1 से 2% की मजबूती आती हुई दिखेगी। लगातार हम 2 तिमाहियों से देख रहे हैं जो पोर्ट वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ रही हैं और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं गुजरात पिपावाव पोर्ट को आते हुए दिखेगा। साथ ही ओवरऑल कारोबार जो है वो स्ट्रांग हुआ है, कंपनी पे कर्ज बेहद कम है तो उसका भी एक फायदा होगा। तो नेट नेट आप देखिए तो कंपनी वेल प्लेस्ड है पोर्ट सेक्टर में, ऑलरेडी एक अच्छी ऑर्डर बुक है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और इसी तौर पे एक चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के नंबर स्ट्रांग रहेंगे। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 7 रुपये की है और FY19 के लिए अनुमानित EPS 6 रुपये 30 पैसे और PE मल्टीपल 21.8 का। सेक्टर के कंपैरिजन सेक्टर 40 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, उसके मुकाबले शेयर अभी भी बहुत सस्ते दरों पर अवेलेबल है और इसीलिए BNK सिक्योरिटीज़ मानते हैं एक शानदार कंपनी हो सकती है जिसमें खरीदारी की जा सकती है। 170 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए दिखेंगे गुजरात पिपावाव पोर्ट में। चलिए फेयर वैल्यू है 170, फिलहाल 137-30 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, फंडामेंटल अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। तो पोजिशनली आप इस स्टॉक को चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, फिलहाल 137 के नज़दीक है लेकिन फेयर वैल्यू यहाँ से काफ़ी ऊपर है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 2 स्टॉक्स आशीष जी और पूछना चाहूँगा आपसे, एक तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है इनफैक्ट, एक तो KEC जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, माफ कीजिएगा जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पे क्या किया जाए, एक बहुत स्ट्रांगली तेजी बढ़ती चली जा रही है और आज भी 8 से 9% की तेजी अब तक का उच्चतम से इसने छू है। और मैं ये देख रहा था कि अगस्त 2016 के बाद KEC इंटरनेशनल, ये स्टॉक देखिए अगस्त 2016 के बाद ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और KEC इंटरनेशनल पे क्या किया जाए? देख रहे थे जुबिलेंट में मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग और इमर्ज होनी चाहिए, जिस तरीके से इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम गोल्डन ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, जो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक को एटलीस्ट 395-400 के लेवल्स तक इन द शॉर्ट टर्म लेके जा सकता है। तो अगर कोई फ्रेश पोजीशन भी चाहे तो यहाँ पे बना सकता है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे ऑलमोस्ट 358-357 के जोन के आसपास और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकता है। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें काफी स्टीम बची हुई है। दूसरा स्टॉक आपने KEC के बारे में बात करी, KEC में भी काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, बट मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और समय इसको देना चाहिए कि कंफर्म करे ये इस ब्रेकआउट को। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट 153-154 के ऊपर कंफर्म होगा। अगर 154 के ऊपर क्लोजिंग देता है और 154 के ऊपर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन करता है, मुझे लगता है तब हम 170-175 तक के ऑन दी शॉर्ट टर्म लेवल्स देख सकते हैं। राइट, एक स्टॉक देखिए ईऑन इलेक्ट्रिक, आमतौर पे वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं कि लेकिन कितने चांसेस है सर कि 63-64 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक? आज भी वॉल्यूम्स थोड़े कम है लेकिन जब पिकअप होते हैं वॉल्यूम तो काफी स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिलती है इसमें। ईऑन इलेक्ट्रिक पे आपकी राय? काफी लो वॉल्यूम स्टॉक है, आप देखें रजत जी स्प्रेड भी काफी लंबा रहता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स तो इसमें मेरे ख्याल से कम आते होंगे। पोजिशनल इन्वेस्टर्स या पोजिशन ट्रेडर्स जिसको हम बोलते हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा मुझे स्लगिश लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, ऑल्दो उसमें मूवमेंट थोड़ी आज है अच्छी, बट आप अगर इस चार्ट का पैटर्न देखें तो इसमें 1-2 दिन मूवमेंट आती है, फिर ये शेयर करेक्शन मोड में चले जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्टकअप हो सकते हैं शायद एक पर्टिकुलर लेवल पे। अच्छा, ये 2 स्टॉक देखिए फिर, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, इस पे क्या किया जाए? फिलहाल 45-75 का लेवल कोट कर रहा है मेघमनी ऑर्गेनिक्स, और लिंकन फार्मा दूसरा स्टॉक, इन दोनों में से कोई ट्रेड इन्वेस्ट पोजिशन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कुछ ट्रेड लिया जा सकता है क्या? डेफिनेटली, आपने जिस ये जो स्टॉक का जिक्र किया मेघमनी, मुझे लगता है इसमें काफी अच्छा मोमेंटम भी आया है पिछले कुछ समय में, और आप इसका अगर चार्ट देखें तो एक बहुत अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट सिस्टम ब्रेकआउट इसने इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल इसका 58-60 के आसपास आना चाहिए, जो कि बहुत जल्दी अचीव होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एक फ्लैग ब्रेकआउट देखते हैं इस टाइप के स्टॉक्स में और वॉल्यूम्स भी अगर अच्छी आती तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक फियर्स मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आएगा। तो काफी फास्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आएगी, 58-60 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। लिंकन फार्मा की अगर आप बात करें, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक को देना पड़ेगा, और 2-2.5% की इसमें अभी तेजी दिख रही है, 198 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। जो एक मीडियम टर्म इसका मूविंग एवरेज है 202-203 के लेवल के आसपास आ रहा है, जब तक उस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता मुझे लगता है तब तक बहुत जल्दी होगा इसमें तेजी की कॉल देना।
चले, लेकिन जो आज बाजार में गिर रहा है वो है आईटी पैक और निफ्टी के दो सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस। इन्फोसिस तो नतीजों के बाद लगातार टूटते देखा है हमने, निफ्टी आईटी इंडेक्स खुद 0.1% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, ब्रोकिंग हाउसेस कह क्या रही है, आप टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों के बाद वो जान लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है रिपोर्ट लेकर। संदीप बताएं, एक तो आईटी पैक में क्या बिकवाली अभी और जारी रहेगी, ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू क्या है? शुक्र रजत, तीसरे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के रिजल्ट्स का इंपैक्ट हमने बाजार में देखा था, दोनों काउंटर्स पे गिरावट आई थी। इनफैक्ट इन्फोसिस के नंबर्स पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ कि इन्फोसिस ने अपना जो FY17 का कॉन्स्टेंट करेंसी आई ग्रोथ गाइडेंस है उसे कट किया है। अगर आप गाइडेंस की बात करें, 8-9% का पहले उनका FY17 का आई ग्रोथ गाइडेंस था, उसे उन्होंने बदलकर 8.4-8.8% किया। तो ये तो एक वजह है ही है जिस वजह से आप देखिए इन्फोसिस पे प्रेशर है, लेकिन उसका इंपैक्ट आप देखिए पूरे सेक्टर पे देखने को मिला है। दरअसल इन्फोसिस के जो नंबर्स आए थे उसमें प्राइसिंग प्रेशर भी इमिनेंट था। कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें उनका कहना था कि प्राइसिंग में 2% की तेज गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे Q3 के नंबर्स में साफ तौर पे देखने को मिली, और जो गाइडेंस उन्होंने रिवाइज किया है अपना 8.4-8.8%, उससे ये चीज़ साफ हो रही है कि Q4 में जो ग्रोथ है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में वो 0-1.5% देखने को मिली। तो ये अपने आप में एक चिंता पैदा करता है कि एक तो नंबर्स खराब थे, ऊपर से दूसरी बार गाइडेंस कट की जा रही है, और Q4 के जो नंबर्स आएंगे शायद उनमें भी प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स भी अगर आप देखें तो ये साफ तौर पर उस पर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि शायद आने वाला एक जो क्वार्टर है यानी कि अप्रैल 2017 तक का जो समय है वहाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई बहुत बड़ा ट्रिगर इस कंपनी में नजर नहीं आता। UBS ने अपना जो न्यूट्रल स्टैंड है उसे बरकरार रखा है, 1060 के टारगेट उसको जा रहे हैं। अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है CLSA ने, उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने 1050 का टारगेट दिया, और इसी तरह से बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच और क्रेडिट स्विस इन दोनों का भी अपना जो न्यूट्रल स्टैंड है उन्होंने बरकरार रखते हुए 1050 के टारगेट दिए हैं। देखिए उनका ये मानना है एक तो प्राइसिंग पे प्रेशर था और साथ ही साथ जो ग्रोथ है आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकती है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है शायद एक क्वार्टर तक और देखने को मिल सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ये अगला ट्रिगर जो है, और मच कीनली अनाउंसमेंट्स जो होने वाली आईटी सेक्टर को लेकर बाजार उस पर फोकस कर रहा है। ये जो क्लैरिटी नहीं है अभी अमेरिकन इकॉनमी में, खासतौर से जो वीजा नियमों को लेकर और आईटी सेक्टर का क्या भविष्य होगा उसको लेकर, तो वो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव ट्रिगर प्ले करेगा क्या गोइंग फॉरवर्ड? संदीप बड़ी चिंता है रजत अगर आप देखिए इस पूरे सेक्टर के लिए, क्योंकि 20 तारीख को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, और माना जा रहा है कि जिस तरह के उनके बयान अब तक के रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका में वो अब तक की सबसे ज़्यादा नौकरियां जोड़ेंगे, और इनफैक्ट अगर आपको याद हो बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का एक जो नारा है शायद वो भी उनकी ओर से आया था, उसके बाद से लगातार आप देखिए आईटी सेक्टर में जो दबाव है साफ तौर पर देखने को मिला है। देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि उभरते देशों के जो लोग हैं वो अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं, तो साफ तौर पर जो आउटसोर्सिंग की तरफ उनका इशारा है, आउटसोर्सिंग को लेकर जो नियम है वो कड़े हो सकते हैं। फार्मा को लेकर उनको आपको याद हो तो उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे, हो सकता है अब जो अनाउंसमेंट्स आएंगे शायद आईटी सेक्टर को लेकर हों, और हो सकता है जो वीजा के नॉर्म्स हैं जो वीजा कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो उस लिहाज से जो आईटी कंपनीज यूएस में ऑपरेट करते हैं जिनके आय के बड़े हिस्से वहां से आते हैं उनके लिए वीजा कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनके जो मार्जिन हैं उसमें प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और बड़े आय का हिस्सा दरअसल इनका अमेरिका से आता भी है, अगर आप इंफोसिस की बात करें तो 66%, TCS 54% अपनी जो आय है वो यूएसए कमाता है, परसिस्टेंट तो 85% के आसपास की आय देखें तो वहीं से लेता है, और माइंडट्री 65 और टेक महिंद्रा 48% के आसपास की आय आती है। इनफैक्ट अगर आप देखें फाइनेंशियल्स का भी बड़ा हिस्सा जिसमें आप BFSI सेगमेंट जो देखें कई कंपनियों के बड़ा चंक वहीं से आता है, और BFSI सेगमेंट में अगर आप देखें TCS का सबसे बड़ा योगदान है, करीब 40% के आसपास की आय इनकी वहीं से आती है। इसी तरह से हेक्साबेर माइंडट्री HCL टेक और विप्रो इनको अगर आप देखें तो 28-34% तक की इसमें आप इन्फोसिस में जोड़ लें तो करीब 33% के आसपास की आय इनकी BFSI सेगमेंट से आती है। तो ये एक बड़ा चंक है जो कि अमेरिका से ये कमाते हैं, और साथ ही साथ अमेरिका एज अ होल इनकी आय में बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर ट्रंप अपनी पॉलिसी में कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं वीजा इमिग्रेशन को लेकर तो इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर डेंट देखने को मिलेगा, और इसी का इम्पैक्ट आप देखिए ज़्यादातर इनके नंबर्स में Q2 से देखना शुरू हो भी चुका है, और अगर पॉलिसी अनाउंसमेंट आते हैं तो शायद फर्दर वीकनेस भी इन काउंटर्स में देखने को मिल सकती है। चलिए, और गिरावट है इन्फोसिस में 0.2%, HCL टेक 2%, परसिस्टम 1%, और साथ साथ जियोमेट्रिक और न्यूक्लियर सॉफ्ट जैसी कंपनियां जो है वो आज गिरकर कामकाज कर रहे हैं। TCS थोड़ा रिकवर हो गया आज के सत्र में। बहुत शुक्रिया रिटेल रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आशीष जी, इसमें से दो स्टॉक्स इन्फोसिस और HCL क्योंकि आज सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक है निफ्टी पे, उन पे क्या किया जाए? डेफिनेटली रजत जी, हम काफी समय से हमारा इंस्टेंस सेल ऑन राइस का आईटी पे, इनफैक्ट रिजल्ट के पहले भी मैं आपके शो पे था, कुछ 980 के आसपास इन्फोसिस था तब भी मैं यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था, और अब भी मैं उस पर इंटैक्ट रहूंगा। देखिए अब जिस तरीके से परफॉर्मेंस ग्रोथ स्टेग्नेंट होती जा रही है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की, और मुझे लग रहा है टेक्निकली भी बहुत वीक होते जा रहे हैं, तो
आप चाहे इंफोसिस की बात करें, एसईएल टेक की बात करें, टीसीएस थोड़ा सा संभला हुआ दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी उसी रंग में आ जाएगा जिस तरीके से पूरा सेक्टर आ रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करें। इन्फोसिस शॉर्ट टर्म मुझे लगता है 920 910 के आसपास का लेवल दिखना चाहिए। एचसीएल टेक मुझे लगता है कि 805 810 के आसपास का लेवल दिखना चाहिए। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं, वरना मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव काफी बेरिश लग रहे हैं स्टॉक्स। चलिए, लेकिन बाजार जो 8400 के लेवल के ऊपर निकला, टिक बाय टिक भी देखेंगे तो काफी स्मार्टली गेन किए हैं आज निचले स्तरों से। आज का लो है 8374 का और अब हम निचले स्तरों से लगभग 30 पॉइंट ऊपर हैं 8404 के लेवल पे। अदानी पोर्ट्स इस स्टॉक में पिछले कुछ 5-6 मिनटों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और आइडिया सेलुलर दूसरा स्टॉक जो आज पुल बैक मोड है, पिछले सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। टाटा स्टील और जी एंटरटेनमेंट ये निफ्टी के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस समय खरीदारी देखने को मिली है और आईटी जैसे हमने बात किया वहां पर गिरावट है। सरप्राइज मूव है बैंकिंग स्टॉक्स में, आज निफ्टी बैंक चल पड़ा है निचले स्तरों से 50 पॉइंट्स के गेन यहां पर है और ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा शो कर रहा है, जिसमें निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स में खरीदारी सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है वो है फेडरल बैंक में और कैनरा बैंक, ये दो स्टॉक्स जो निचले स्तरों से खरीदारी इस समय शो कर रहे हैं। बैंकिंग में कुछ पसंद है आशीष जी अभी? आईसीआईसी बैंक मेरी नजर है रजत जी, मेरे ख्याल से उसमें अभी थोड़ा सा अपमूव आना बाकी है, जिस तरीके से आपने बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में देखा। और मुझे लगता है जो अब जो इसके रिजल्ट आएंगे उसमें एनपीए थोड़ा सा शायद रिड्यूस होता हुआ दिखे, जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में काफी सारी अपनी प्रोविजनिंग की है। मुझे लगता है कि आईसीसी बैंक में अगर किसी को पोजिशनल बेसिस पे बैट करनी चाहिए तो वहां पे 275 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे ऑन अ पोजिशनल बेसिस बाय करना चाहिए। टायर स्टॉक्स देख लेते हैं और टिक बाय टिक देख लेते हैं क्योंकि आज फिर से पलटे हैं निचले स्तरों से। जेके टायर सबसे पहला स्टॉक 131 पे पहुंचा है, सीएट पे निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है, ये हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। एमआरएफ एक और स्टॉक जहां पर एक पुल बैक ट्रेड बढ़ रहा है, इसमें जेके टायर देख के बताएं आशीष जी क्या करना चाहिए? ये अब कंसिस्टेंटली चढ़ रहा है ये स्टॉक, कोई भी डिप आती है तो ट्रेडर्स को खरीदते हैं, क्या टारगेट सेट करके चले उस पर? डेफिनेटली रजत जी, आप देखें पिछले हफ्ते में भी टायर स्टॉक्स ऑलमोस्ट नेगेटिव में थे, बट ये एकमात्र ऐसा स्टॉक था जिसने कि टर्न अराउंड को लीड किया था एट दी एंड ऑफ द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। मुझे लगता है कि वो लीडिंग अभी भी इसमें चलती रहेगी। आप चाहें तो बाकी स्टॉक्स में इतना मूवमेंट नहीं देखें, बट मुझे लगता है जेके टायर में बहुत अच्छा मूवमेंट आना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 137 मुझे लगता है टच करना चाहिए और मीडियम टर्म में मुझे लगता है 150 तक के लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।